हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बहुत दिनों बाद एक वीडियो आ रही है और कल से आपको जो है कंटिन्यूज जो है वीडियो मिलेगी। पहले के जो भी करंट अफेयर रहे इवनिंग बूस्टर के, वो भी आपके सारे कवर किए जाएंगे और बाकी नेक्स्ट जो है वीडियो चलती जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैक्सिमम को जो है इसके बारे में पहले ही पता होगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट है और बहुत सी वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है, बट फिर भी जो जीके स्टडी के हैं वो यहीं से देखना पसंद करेंगे और जिनको पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देखिए। बात करेंगे आज हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज की पोस्ट के बारे में, क्या एग्जाम डेट है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में। बाकी आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा आपको फुल डिटेल सिलेबस और हाउ टू प्रिपेयर की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट जो है वो है 2/1/2019, यानी कि 2 जनवरी 2019 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 11:59 रात के टाइम तक। ठीक है, बट जो मैक्सिमम है वो पहले ही भर देते हैं। वेबसाइट आपको कौन सी यूज करनी है, HPPSSSB आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। बट एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक कोई HPPSSSB का फॉर्म नहीं भरा या फिर बहुत पहले भरे थे, ठीक है, तो उसमें एक चेंजेस हुए हैं। ठीक है, OTRS सिस्टम का, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करके उस पर अपलोड करने पड़ते हैं, बाद में कोई भी फॉर्म निकलता है तो आपको डायरेक्टली फी सबमिट करनी पड़ती है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, बट अगर आपने अभी तक नहीं करवाया तो पहले आपको वो करवाना है, उसके बाद ही जो है आप क्या है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने OTRS वाला वीडियो नहीं देखा है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा से उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, बट उसी के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो वेबसाइट पर जाना है, OTRS में अप्लाई करना है और फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आप हमेशा ही पढ़ते आते हो कि कहाँ से फिलअप करना है, केयरफुली फिलअप करना है। अगर आप कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ करते हो या इनकम्प्लीट रखते हो उसको, तो वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मेन चीज क्या है, एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि बाहर के जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, जो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट एक चीज है कि अगर आप बाहर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप SC को हो या OBC के हो, तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट हो गए। ठीक है, बस ये चीज है कि आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू ही माना जाएगा, बाकी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी इतना जानकारी वाली चीज नहीं है, बाकी आपको सब कुछ पता होता है। टेस्ट कहाँ पर लिया जाएगा, हर जिले के जो हेडक्वार्टर होते हैं, ठीक है, वहां पर जैसे शिमला, मंडी, सुंदरनगर, ठीक है, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, ऊना, नाहन, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर एंड चंबा, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे जो प्री होते हैं। ठीक है, मेन्स वगैरह के लिए अलग सेंटर होते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्टों की। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट जो है वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन की। ठीक है, यानी कि उसमें है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। रेगुलर बेसिस पे ये है, ये रेगुलर बेसिस पे है, बाकी दो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसमें टोटल जो है 10 पोस्ट हैं जो एक्साइज एंड टैक्सेशन हमारा इंस्पेक्टर होता है। जनरल BPL की इसमें एक है, जनरल की 5 है, SC की 1 है और OBC की 3 है। ठीक है, ST की इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ST वाले जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पे बैंड दिया गया है इसमें 10,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे जो है 3600। ठीक है, तो ये जो पे बैंड और ग्रेड पे आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 ईयर्स की रेगुलर सर्विसेज के बाद। ठीक है, कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इंस्पेक्टर ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये है। ठीक है, 4 पोस्ट हैं, OBC की 1 है, OBC BPL की 1 है, SC BPL की 1 है और ST BPL की 1 है। ठीक है, इसमें कोई भी जनरल के लिए पोस्ट नहीं है, अगर कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर वाले आप देखें। बात करें अगर इसकी पे बैंड की, तो आपको 16,600 पर मंथ जो है फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट दिया जाएगा जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे। इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कानूनों की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 पोस्ट है, जनरल की 3 है, जनरल WFF वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है और SC की इसमें 2 है। ठीक है, और फिक्स अमाउंट जो दिया जाएगा आपको वो दिया जाएगा 11,910 पर मंथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे बाद में आप जो है रेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट है, किसी में जनरल की नहीं है, किसी में ST की नहीं है, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपको फिल करनी है। बट अगर आप अदर स्टेट के हो तो जनरल कैटेगरी में जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है वही इन्होंने बताया है कि www.hppsssb इस वेबसाइट पर जाकर जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, OTRS सिस्टम के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हो। नेशनलिटी के बारे में दिया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि आप होती हो। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो दी गई है बैचलर डिग्री। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने की है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कहीं किसी भी फील्ड से।
ठीक है। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री के इक्विवेलेंट मानती है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है और वो डिग्री के रिलेटिव जो है काउंट होती है तो आप इजिली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है, वो अदर बात है। एज की बात करें तो 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 18 के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो और 45 के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्लेम्स दिए गए हैं। आपके पास अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर टाइम का, ये बीपीएल का है तो बीपीएल का सब कुछ यहाँ पर यही बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से बताया गया है कि डेट जो है 2/1/2019 बार बार आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये डेट है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी, ठीक है, के लिए 400 रुपए फीस है। ठीक है, जनरल एससी एसटी ओबीसी जो बीपीएल जो जनरल कैटेगरी में आते हैं 100 रुपीज, एससी ऑफ एचपी एसटी ऑफ एचपी ओबीसी ऑफ एचपी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, तो ये सारे 100 रुपीज फीस है। बाकी अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए भी, वो भी जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, उनके लिए भी 400 रुपए फीस है। एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, ठीक है, ब्लाइंड ऑफ एचपी, विजुअली इम्पेयर्ड, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए फीस देख के अप्लाई कर सकते हो कोई भी है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, ऑनलाइन ई पेमेंट आप यहाँ पर करवाओगे, ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरोगे। अगर आप कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप टोल फ्री नंबर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी इस पर डायल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत रहती है, आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप इसमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप जरूर पूछिए। नीचे की तरफ देख लेते हैं, जो हमारा है मेन एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा इसमें प्री मेंस और इवेल्यूशन का है, ठीक है, वो तीनों में आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अगर बात करें हम प्री की, तो प्री आपका 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे आपके पास टाइमिंग होगी, 200 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर का, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 3 घंटे के आपके पास टाइमिंग। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो मेंस के लिए जो है जितनी पोस्टें हैं टोटल इनटू 20 कैंडिडेट जो है बुलाए जाएंगे, ठीक है, और फिर वहां पर आपके जो है मेन में 3 एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। दोबारा से मैं समझा देता हूँ एक और बार, प्री आपका होगा 3 घंटे का, ठीक है, जो एमसीक्यूज वगैरह का होता है, और 200 उसमें क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो जितनी पोस्ट हैं इनटू 20 कैंडिडेट जो है मेंस के लिए बुलाए जाएंगे जिसमें 3 एग्जामिनेशन होते हैं। फिर अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो इवेल्युएशन होती है 100 मार्क्स की, वो आपके थ्रू की जाएगी, ठीक है, वो आप की जाएगी, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कैसे होती है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है, 0.2514 आपका, अगर आप एक आंसर गलत देते हो तो वो कटेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी आंसर नहीं देते हो, आप ब्लैंक छोड़ देते हो, तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, वो आपको पता होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है प्री एग्जामिनेशन के लिए, बाकी यहाँ फुल डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है। अगर आप फुल डिटेल चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो बता दूंगा, और हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, उसके बारे में भी। तो ये पेपर जो होगा मैंने आपको बताया, जैसे कि 3 घंटे का होगा और 200 मार्क्स होंगे इसमें, जनरल नॉलेज का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। सबसे पहले बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसके आपको जो आएंगे वो आएंगे 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स की आपको एचपी आएगी, चाहे वो फिर ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोशल इकोनॉमी हो, 60 नंबर की आपको एचपी आनी है। फिर नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स आपके, ठीक है, वो सारे जो आएंगे, ठीक है, वो आएंगे आपके 60 मार्क्स के। टोटली आपके जो है 60 नंबर की हिमाचल और 60 नंबर के करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड जेंडर इशू, और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये आएंगे आपके पास 80 मार्क्स के, यानी कि 1857 के बाद की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसके पहले की हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, 1857 के बाद की हिस्ट्री में से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन पॉलिटी, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ये जरूर पढ़ें क्योंकि ये अलग से आपके पास टॉपिक दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये जो सारे पूछे जाएंगे इनसे क्वेश्चन वो होंगे 80 मार्क्स के, यानी कि टोटल, ठीक है, आपके पास हो गए, ये 3 भागों में इनको बांट दिया, ठीक है, और आपके पास टोटल हो गए 200 मार्क्स, तो 60 एचपी, 60 करंट अफेयर्स और 80 जो है आपके पास हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी वगैरह जो भी होगी, मतलब इंडियन जीके से रिलेटेड होगी। ठीक है, फिर आपके मेंस की बात करें तो सबसे पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश कन्वेंशनल का, ठीक है, 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है,
इसमें क्या है, ठीक है, कि आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाएगी, ठीक है, कि किस तरह से आप रीजनिंग पावर आपकी कैसी है, ठीक है, ठीक है, कि आप किस तरह से उसको ऑपरेट करते हो, ठीक है, ये सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, समरी वगैरह। और सेकंड जो पेपर होगा वो होगा हिंदी कन्वेंशनल का, 150 मार्क्स होंगे आपके 3 घंटे का, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश पैसेज की हिंदी में, ठीक है, फिर होगी एक्सप्लेनेशन हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन सेम लैंग्वेज, ठीक है, और कंपोजिशन होगी एसे इडियम्स करेक्शन वगैरह होगी आपकी, ठीक है, ये सब होगा। फिर जनरल नॉलेज होगी आपकी 200 मार्क्स की, 3 घंटे इसमें होंगे, ठीक है। और इसमें भी आपके जो है हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेम जो है ऊपर का जो ये पूरा आपके पास दिया गया था, ठीक है, ये सारा जो है इसमें भी दोबारा से रिपीट किया जाएगा, बट ये जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर एक नोट दिया गया है, नो कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट अनलेस ही ऑब्टेन्स 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल पेपर्स एंड एटलीस्ट 35% मार्क्स इन ईच पेपर, ठीक है। कोई भी क्वालिफाई नहीं माना जाएगा अगर आपके 35% मार्क्स हर पेपर में और 40% मार्क्स टोटल में जो नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से बताया गया है, ठीक है, मेन एग्जामिनेशन के लिए पेपर वन इंग्लिश कन्वेंशनल 150 मार्क्स, ठीक है, पेपर टू हिंदी कन्वेंशनल 150 मार्क्स और पेपर थ्री जनरल नॉलेज 200 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कुछ है पैरामीटर्स ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन जो होगी आपकी वो होगी 100 मार्क्स की, ठीक है। अब 85 मार्क्स अलग से हैं और 15 मार्क्स अलग से हैं, ठीक है। 85 मार्क्स की इवेल्युएशन जो की जाएगी वो की जाएगी रिटन टेस्ट के बेस पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन रिटन टेस्ट टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85 मार्क्स। आपकी जो मार्क्स ऑब्टेंड किए होंगे आपने रिटन टेस्ट में, उसकी जो परसेंटेज होगी, ठीक है, वो क्या, उसी के बेस पर आपको क्या है 85 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अ कैंडिडेट गेटिंग 50% मार्क्स इन रिटन टेस्ट विल बी गिवन 42.5 मार्क्स। अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं रिटन में, ठीक है, तो आपको 85 में से 42 42.5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी हिसाब से आप लगा लीजिए, आपके अगर 60% आते हैं 70 80, तो आपको और ज्यादा नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है, 85 में से रिटन टेस्ट यानी कि जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। आप ये मत सोचिएगा जो आपके टोटल मार्क्स हैं 150 150 200, इसका नहीं है, इनको टोटल करके जो इसकी परसेंटेज होगी उसके बेस पे, अगर आपकी इन आपने मान लीजिए इनमें से आपके कोई भी मार्क्स आते हैं, ठीक है, 150 में से आपने ले लिया और टोटल करके आपके 50% बन रहे हैं, तो आपको 50% के बेस पर 85 में से 42.5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। वैसे वैसे आप जैसे ही परसेंटेज आपकी इंक्रीज होगी आपके 85 मार्क्स में से उतने ही ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात करें 15 मार्क्स की, तो क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको जो है 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, वो भी आपको परसेंटेज के बेस पे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके 50% है तो आप उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेंगे 1.25। अगर आपके 60% है तो आप उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको उतने मार्क्स मिलेंगे 2.5 में से, ठीक है। फिर अगर आप बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया से और पंचायत से बिलोंग करते हैं तो 1 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। लैंडलेस फैमिली है उसका 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर आप बहुत से दिए गए हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 1 मार्क्स उसका मिलेगा। एनएसएस का है आपके पास, ठीक है, या फिर 40% इंपेयरमेंट है तो 1 1 मार्क्स उसके आपको मिलेंगे। बीपीएल फैमिली है अगर आपकी, ठीक है, तो 2 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। विडो है, डिवोर्स है, डिस्टिट्यूट है, ठीक है, डिस्टिट्यूट है या सिंगल वुमेन है तो 1 मार्क्स उसका मिलेगा। सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है तो 1 मार्क्स उसका। ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड तो उसका 1 मार्क। और एक्सपीरियंस अगर आपको है सेम फील्ड में गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो 2.5 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। तो ये जो है 15 मार्क्स इस बेस पे आपको मिलने वाले हैं, बाकी जो मेन है वो 85 मार्क्स हैं जो आपको रिटन टेस्ट के बेस पर मिलेंगे। तो ये था पूरा आपके पास प्रोस्पेक्टस यानी कि पूरी रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, बाकी बिल्कुल डिटेल में कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाएं, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है, अगर मैं कुछ बताने से छूट गया हूं तो भी आप मुझे बता सकते हो, अगली वीडियो में हम जो है उसको कवर करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, फटाफट कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कल तक आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।